सबसे बड़ी चीज जिस तरह हमारे इलेक्शन हुए डीडीसी के या आज के इलेक्शन हुआ, इसके लिए मैं डीसी साहब हर चीज को इन्होंने मैनेज किया उसके लिए काफी मुबारकबाद है। और उसके अलावा जो हम डीडीसी मेम्बरान हैं लोग यहाँ आए हुए हैं, सबकी तरफ से हम नाजा बेगम को काउंसिल के अंदर खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह और हम तहकियाती काउंसिल के मेंबर हैं डीडीसी साहिबान आपस में तो लिस्ट बनाए गए, कम से कम उसमें से देखा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है कौन सा अन्याय है, क्या करना है, नहीं करना है। आज की ये जो सेरेमनी है मुबारकबाद देते हैं हमारे जो नए डीडीसी मेंबर आज से उनके आ गए हैं, बड़ा ही शॉर्ट देखिए। आज जो हमारी मीटिंग थी वो जो स्पेशल समरी रिवीजन जो कि पंचायत इलेक्टोरल रोल्स के लिए की जा रही है उसके बारे में थी। हमारे जितने भी वोटर्स हैं जो कि पंचायत इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं उनका एक अपना पंचायत इलेक्टोरल रोल होता है, जिसमें ज़रूरी है कि जो एडिशंस हैं वो टाइमली की जाएँ, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं जो एलिजिबल वोटर हैं उनका नाम उसमें दर्ज हो ताकि वो अपना वोट दे सके। तो इसके लिए जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन है वो किया जा रहा है। जनरली जो हमारे VLWs हैं या जो विलेज लेवल जो हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो इसके लिए वो डेजिग्नेटेड रहते हैं जो कि ये डिटेल्स भरते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लेते हैं। मेरी गुजारिश है जितने भी लोग हमारे जो पंचायत में रहने वाले हैं, जो इन वार्ड्स में रहते हैं, पंचायत की वार्ड में रहते हैं, जिनको एक जो एलिजिबल वोटर्स हैं जो वोट दे सकते हैं पंचायत इलेक्शंस में, वो ज़रूर अपना नाम इसमें दर्ज करवाएं। वो चेक कर सकते हैं, जो ये हमारा रोल है ये मौजूद रहता है ऑनलाइन भी और हमारे ऑफिसेस में भी। और जो लोग इसमें ऐड होना चाहते हैं वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए, वो ज़रूर ऐड हों। जो हमारे डेजिग्नेटेड जो हमारे पंचायत लेवल बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो इसके लिए उनकी पूरी मदद करेंगे।